हेलो एवरीवन, तो मैं हूं दीपिका सर फ्रॉम डीके 865। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी स्केचिंग ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पैचेस, टोनर, क्रबलिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आपको नाम सुन के ये लग रहा होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट चीज़ होता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाती हूँ कि ये क्या होता है। अगर आप स्केचिंग ड्राइंग बनाना पसंद करते हैं तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कि बहुत लोग डॉट डॉट से शेडिंग देते हैं, आड़ी तिरछी लाइनें खींचकर शेडिंग देते हैं। कई लोग जो होते हैं वो डॉट डॉट के थ्रू स्केचिंग करते हैं और उसे शेडिंग देते हैं। तो बस ये भी वही टेक्निक है एक शेडिंग करने का, जो अलग अलग टेक्निक है जिसे हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, है ना, जिसे एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है। तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैच बनाएंगे जिसमें कि हम अपने पेंसिल को हर एंगल में चलाएंगे जिससे एक पैच सा बन जाएगा, है ना। देखिए कुछ ये जो है नॉर्मली, ठीक है, ये हम इसे नॉर्मली एक पैच कहेंगे। और अब जो दूसरा जो है हमारा, हम यहाँ पर एकदम फास्ट फास्ट लाइनें खींचेंगे जो कि सिर्फ एक ही एंगल में हो, एक ही दिशा में हो, और जो लाइन हो वो एकदम पास पास हो, उनके बीच ज़्यादा गेप ना हो। तो ये जो पैच बनेगा इसे हम कहेंगे टोनल। अब हम क्या करेंगे, हम कई सारी लाइनें लगाएंगे जो हर दिशा में हो, छोटी छोटी हम लाइनें लगाएंगे पर उनके बीच थोड़ा थोड़ा गेप हो उनके बीच, जो कि एक ढेर सा दिखे, एक पैच सा दिखे, एक ऐसा पैच दिखे जो कि एक तिनके का ढेर हो, मतलब छोटे छोटे तिनके का ढेर हो ऐसा दिखे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, तो इसे कहा जाता है क्रबलिंग। हम एक अगला पैच बनाएंगे जिसमें कि फास्ट फास्ट हम लाइनें बनाएंगे जो कि ऊपर से नीचे की तरफ ही होगी हमारी, और जिनके की लाइनों के बीच में कोई गेप नहीं होगा हमारा ज़्यादा। तो देखिए कुछ इस तरीके से, तो इसे कहा जाता है हैचिंग। ये है हैचिंग, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से हम अगली जो लाइनें लगाएंगे वो हम लेके जाएंगे लेफ्ट से राइट की ओर, कुछ इस तरीके से, जो इन लाइनों के बीच में गेप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम पास पास सटी सटी हुई लाइनें होनी चाहिए। तो देखिए ये दोनों हैचिंग ही है। अगला जो है हमारा, सबसे पहले हम हैचिंग करेंगे, यहाँ पर ऊपर से नीचे लाइनें हम लेंगे, यहाँ पर हैचिंग करेंगे ऊपर से नीचे। अब लेफ्ट टू राइट हम यहाँ पर लाइनें लेंगे, बिल्कुल एकदम पास पास सटी सटी हुई लाइनें, जैसे कि हम हैचिंग करते हैं बिल्कुल वाले। और अब हम यहाँ पर आड़ी टेढ़ी, मतलब लाइनों को काटती हुई जैसे भी हम हैचिंग करेंगे, आड़ी टेढ़ी भी यहाँ लाइनें लगाएंगे जिससे कि ये डार्क हो जाए, है ना। तो इसे कहते हैं क्रॉस हैचिंग। आपको समझ में आ रहा होगा, जब हमें अलग अलग शेड देने होते हैं, कहीं पर डार्क दिखाना है, कहीं पर हमें शेडो कम दिखाने हैं, कहीं पर हमें बहुत लाइट दिखाना है, तब हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर किसी को जरूरत हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए राधे राधे।